जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी लीडर्स के काफी केसेस प्रोमिनेंट है और मोस्टली सब लेकर पॉलिसी स्कैम से जुड़े हैं। फिर चाहे वो सीबीआई के रिलेशन में हो या फिर ईडी के, दोनों ही केस में लीडर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकल पाए। अगर बात करें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की, तो उनकी बेल पिटीशन इन द सीबीआई केस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, जिसके वर्डिक्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। पर ऐसा ही एक केस उन्होंने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया था ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इस प्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी केस को सुनने के बाद हालांकि अब इसे एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है, लेकिन उस वक्त उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंटरिम बेल दे दी थी। कोर्ट ने इस फैसले के साथ एक बड़ी मिसाल कायम की थी, जो ईडी के पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट की पावर, जरूरत और पॉलिसी पर सवाल उठाता था। जहां एक और दिल्ली चीफ मिनिस्टर के लिए ये वर्डिक्ट काफी खुशी भरा था, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दूसरे ईडी केसेस पर भी असर डालेगा। रूलिंग ने अरेस्ट के तरीके और टाइमिंग के सवालों को घेरे में डाल दिया था और ये मैंडेट किया था कि अरेस्ट के पीछे काफी वजह दी जानी चाहिए जो कानून के मुताबिक हो। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में बेल मिलने के बाद इस ऑर्डर का रेफरेंस झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के लैंड ग्रैबिंग केस में भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ग्रांटिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल टू कैंपेन फॉर ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस को साइड करते हुए हेमंत सोरेन की काउंसिल कपिल सिब्बल ने उनकी बेल सीक करने के लिए कहा था दैट हिज केस इज कवर्ड बाय द अरविंद केजरीवाल ऑर्डर। ये खबर सुनने के बाद ये क्लियर हो गया था कि लीगल एक्सपर्ट्स का अनुमान सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल इंटरिम बेल ऑर्डर को लेकर बिल्कुल सही था। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक और केस जहां पर अरविंद केजरीवाल ऑर्डर को साइड किया गया है सामने आया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बेल दिया था, एक मुंबई स्पेशल कोर्ट ने एक एक्यूज्ड को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसीलिए रिलीज किया क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसे रीजंस टू बिलीव प्रोवाइड नहीं किए थे कि जिस बेसिस पर उसे अरेस्ट किया जा सकता था। ये एक्यूज्ड एक बिजनेसमैन है जिनका नाम पुरुषोत्तम मंधाना है। उन्हें ईडी ने 19 जुलाई को अरेस्ट किया था एलिगेशंस के साथ कि उन्होंने ₹975 करोड़ के एलिस्ट बैंक फ्रॉड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ऐसे ही लीगल एक्सपर्ट्स का मानना था कि केजरीवाल ऑर्डर का असर और भी पेंडिंग केसेस पर पड़ेगा, जैसे कि मनीष सिसोदिया। पहले के दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है दिल्ली लिकर पॉलिसी के सिलसिले में। उनका केस भी इस फैसले से प्रभावित हो सकता है क्योंकि उनकी बेल प्ली भी सुप्रीम कोर्ट में अभी सब जुडीज है। बीआरएस लीडर के कविता भी दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में आरोपी हैं और अभी जेल में हैं। उनका केस भी कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। उन पर सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जेस हैं। सत्येंद्र जैन, पहले के दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन एलिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जेल में हैं। ऐसे ही एक और कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम चाइना वीजा केस में आरोपी हैं, जिनके ऊपर वेदांता ग्रुप कंपनी के सब्सिडरी तलवांदी सावो पावर प्लांट लिमिटेड के लिए 263 प्रोजेक्ट वीजा की रीयूज को अप्रूव करने के लिए ₹50 लाख ब्राइब लेने का आरोप है। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी को ईडी ने कई केसेस में नामित और समन किया है, जिसमें एक सरकारी स्कूल रिक्रूटमेंट से जुड़ा केस भी शामिल है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लालू प्रसाद यादव पर रेलवे जॉब्स के बदले जमीन लेने का आरोप है। ऐसे ही और भी केसेस हैं जिसका जिक्र करते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर को दी गई इंटरिम बेल और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की, तो कई ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जिसके बेसिस पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर को इंटरिम बेल मिली। सेक्शन 19 ऑफ द स्ट्रिंजेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि एक ईडी ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए रीजन टू बिलीव को रिकॉर्ड करना चाहिए जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पर बेस्ड हो कि एक्यूज्ड पीएमएलए के अंडर एक ऑफेंस का गिल्टी है। ये प्रोविजन ये भी कहता है कि अरेस्ट के बाद एज सून एज मे बी पॉसिबल इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। साथ ही ये भी नोन बात है कि फ्रेजेस और उनके प्रिसाइज मीनिंग्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएमएलए के स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बेल देना वर्चुअली इम्पॉसिबल बना देते हैं। एक हाई थ्रेशहोल्ड फॉर बेल को जस्टिफाई करना जरूरी होता है लॉ को स्क्रूपलसली फॉलो करते हुए जब एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है। सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए कोर्ट्स को बार करता है बेल देने से जब तक कोर्ट को ये सेटिस्फाइड ना हो कि एक्यूज्ड नॉन गिल्टी है ऑफेंस का, क्योंकि ये एक हाई बार है एक एक्यूज्ड के लिए इनोसेंस प्रूफ करने के लिए। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 12 को जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया, तो उन्होंने ईडी की पावर टू अरेस्ट पर
लार्ज कंसर्न्स रेज किए। केजरीवाल ने लीगैलिटी ऑफ हिज अरेस्ट को चैलेंज करते हुए आर्ग्यू किया था कि ईडी के पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे उन्हें अरेस्ट करने के लिए। एसेंशियली इसका मतलब था कि ईडी के रीजंस टू बिलीव को चैलेंज करना कि केजरीवाल गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के और लायबल है अरेस्ट होने के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अरेस्ट आफ्टर ऑल कैन नॉट बी मेड आर्बिट्रेरली एंड ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अथॉरिटीज। इट इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड रीजंस टू बिलीव मीटिंग द पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। इन फैक्ट नॉट टू अंडरटेक जुडिशियल स्क्रूटनी व्हेन जस्टिफाइड एंड नेसेसरी वुड बी एन एब्डिकेशन एंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी placed on the court to ensure that the fundamental right to life and liberty is not violated. ED ने आर्ग्यू किया था कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है और कोर्ट द्वारा स्क्रूटनाइज नहीं हो सकता। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अरेस्ट लॉ के अकॉर्डेंस में था या नहीं। अब आप सोचेंगे कि अक्यूज्ड के अरेस्ट के ग्राउंड्स क्या हैं? अगर एक अक्यूज्ड को अपनी अरेस्ट को चैलेंज करना है तो रीजन टू बिलीव को ऑब्टेन करना क्रूशियल होता है। ये डॉक्यूमेंट अब तक सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड का पार्ट रहा है पर अक्यूज्ड के साथ मैंडेटरीली शेयर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट द रीजंस टू बिलीव एज रिकॉर्डेड इन राइटिंग आर नॉट टू बी फर्निश्ड। 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के द्वारा एक्यूज्ड के साथ ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट को राइटिंग में शेयर करना मैंडेटरी बनाया गया था। आपको बता दूं, 2023 में पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट को एक्यूज के साथ राइटिंग में शेयर करना उनके अरेस्ट के टाइम मैंडेटरी है। सेक्शन 19 ऑफ द PMLA इस रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करता है। स्टेक्स एजेंसी के लिए अरेस्ट के बाद काफी बढ़ जाते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर शेयर करना क्रूशियल है। यूजुअली ये तब होता है जब एक पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। ये रूलिंग सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2022 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विजय बदलाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया से एक छोटी पर क्रूशियल रिट्रीट मार्क करते हैं। इस रूलिंग ने PMLA की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया था और एक वाइड स्वीपिंग पावर्स को रीइंफोर्स किया था। ये रूलिंग कहती है कि इवन इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज ECIR जो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड FIR की सिमिलर होती है एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इसे एक्यूज्ड को प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये था वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके विचार थोड़े अलग थे। जैसे कि एडवोकेट DK महान, उन्होंने कहा था कि मुझे शक है कि दूसरे एक्यूज्ड आज के ऑर्डर के आधार पर पैरिटी क्लेम कर पाएंगे। बेसिक प्रिमाइस जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिस्टर केजरीवाल को दिया गया वो इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए है, इसीलिए ये लिमिटेड है June 1 तक। बाद में उन्हें सरेंडर करना होगा और दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर अनास तनवीर ने भी कहा था कि आज के इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन पीरियड के दौरान के लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि ये बेल केस के मेरिट्स को प्रभावित नहीं करती। कोई दूसरा एक्यूज्ड सिर्फ इस ऑर्डर के आधार पर पैरिटी नहीं मांग सकता। तो आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को दी गई इंटरिम बेल से कई आउटलुक सामने निकल कर आते हैं। अब कुछ कोर्ट्स उसके आधार पर एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग बेल डिनाई कर रहे हैं। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।